हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है एसपी इलेक्ट्रिकल स्टडी में। आज हम बात करेंगे स्विच, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर की। ये स्विच, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ काम करते हैं, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्विच। स्विच एक स्मॉलेस्ट, सरलतम तथा हाथ से चलाई जाने वाली एक डिवाइस है जिसका प्रयोग लो कैपेसिटी में करते हैं। जैसे लो करंट, लो वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, ये सिंगल वे स्विच वगैरह हैं, ये एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। 220 वोल्ट से 5 वोल्ट, 2 वोल्ट डीसी वगैरह, इन पे भी ये हमारे काम करते हैं। तो हमारा जो स्विच होता है वो एक छोटा सा रूप होता है उसका, जिसको हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अपने होम अप्लायंसेस हो गए, होम अप्लायंसेस में टीवी, फ्रिज, कूलर, लाइट, पंखा, इनको हम ऑन ऑफ करने के लिए हम ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट इकाई है, डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है हमारा सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है? तो सर्किट ब्रेकर एक ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइस होती है जो नॉर्मल कंडीशन में सर्किट को अलग करता है, और यह एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है जिसका यूज़ सभी कंडीशन में हाई वोल्टेज से ऊपर सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि जो डिवाइस है इसको हम चाहे नॉर्मल कंडीशन हो चाहे अब नॉर्मल कंडीशन हो, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कहीं अर्थ फॉल्ट हो रहा है, कोई भी फॉल्ट होता है उस कंडीशन में, इसमें जो रिले लगी रहती हैं वो उसको ऑपरेट कराती हैं, उसको ऑपरेट करा के और हमारे फॉल्टी सर्किट को अलग करती हैं और हमारे बाकी की सर्किट होता है उसको सेफ करती हैं। तो सर्किट ब्रेकर ये है जिसके फ़ोटोज़ वगैरह दिए हैं। जैसे सर्किट ब्रेकर में आपकी MCB होती है, ACB, BCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर होता क्या है? आइसोलेटर एक, ये भी एक ऑन ऑफ करने वाली डिवाइस है, बट इसका क्या है, इसका फंक्शन कुछ अलग होता है। आइसोलेटर क्या है, इसको हम नो लोड पर यह काम करता है, नो लोड पे ही सर्किट को ऑन ऑफ करता है। ये भी 11 KV से ऊपर की जो इलेक्ट्रिकल लाइन को ओपन क्लोज करने के लिए किया जाता है। आइसोलेटर को हमेशा शॉर्ट सर्किट शॉर्ट ब्रेकर के ऑफ करने के बाद ही हटाते हैं, तथा सर्किट बंद करने की स्थिति में पहले आइसोलेटर को बंद करते हैं, इसके बाद सर्किट ब्रेकर को बंद करते हैं। जैसे आपने सब स्टेशन में देखा होगा, जो लाइन आती है तो उसके बीच में हमारा जो ये लगा रहता है आइसोलेटर, तो आइसोलेटर तीनों फेज़ों में लगे रहते हैं, तीनों फेज़ों में आइसोलेटर लगे रहते हैं। तो पहले क्या है, जो हमारा लोड चल रहा है प्लांट का, कंपनी का, किसी का, तो उस लोड को पहले हम सर्किट ब्रेकर से ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर हम आइसोलेटर को हटाते हैं। अगर हम हटाएंगे नहीं तो क्या होगा, अगर हम ऑन लोड पे है, हम इसको सर्किट ब्रेकर को ऑफ ना करके हम सीधे आइसोलेटर को ऑफ करेंगे तो हमारा क्या है, स्पार्क बहुत होगा, तो उसमें फ्लैशिंग होगी तो हमारा जो आइसोलेटर है वो ख़राब होने का चांसेस बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर को पहले हम ऑफ करते हैं, लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।